गाइस आज के वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी गूगल ड्राइव में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है गेट स्टफ डन विद गूगल ड्राइव, ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा है, आज के वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दरअसल मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लिखा रहा था गेट स्टफ डन और अनेबल टू ओपन द फाइल एट दिस टाइम, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज के वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें और बेरोजगार इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आ जाना है और स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप है उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं हम। तो ऐप को सर्च कर लिया मैंने। ऐप को सर्च करने के बाद यहाँ पे आप अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है तो एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अगर बाय चांस अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा अपने ऐप को, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक और सेटिंग भी है, वो भी करनी पड़ेगी। डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो होगा हमारे सेटिंग में ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज ऐप्स का, इस पे क्लिक कर देना है। मैनेज ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सारे ऐप्स शो होंगे। यहाँ पे हमें उस ऐप को सर्च करना है जिस ऐप में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से मैं अपने ऐप को सर्च कर रहा हूँ, आपको भी वहाँ पे सर्च कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टोरेज पे आ जाना है। स्टोरेज पे आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है आपको यहाँ से। तो स्टोरेज का क्लियर कैच करना है और क्लियर डाटा मत कीजिएगा, उससे आपका डाटा डिलीट हो सकता है। इसके बाद ऐप परमिशन पे आना है और सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है। ध्यान रखना कि कोई भी परमिशन यहाँ से डिनाई नहीं करनी है। तो वन बाय वन सारी परमिशन यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। अदर परमिशन पे जाता हूँ, यहाँ पे सारी परमिशन इनेबल कर देता हूँ। आपको भी सेम स्टेप फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अदर परमिशन में भी सारी परमिशन मैंने लगभग इनेबल कर दी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का। तो यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डाटा शो हो रहा है, तो इन दोनों को हमें यहाँ से इनेबल कर देना है। वाईफाई और मोबाइल डाटा को इनेबल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्लियर डिफॉल्ट का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर स्टॉप कर दीजिएगा अपने ऐप को, एक बार रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद ट्राई कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो